भाइयों बहनों, मित्रों, स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। मित्रों, आज हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इन सभी का बिल्कुल सही सही जवाब आपने देना है। और हमारे साथ होंगे केजरी जी, राहुल जी और लालू जी और रामदेव जी भी, ये सभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाइयों बहनों, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। मित्रा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22। हमने आपको ट्रिक में बताया था कि टाइटेनिक जहाज में हर चीज दो दो है, यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मुझे जवाब चाहिए और जल्दी ही जवाब चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16। अब आपसे सवाल पूछेंगे केजरी जी। देखिए जी, हम तो आम आदमी है जी, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, ये बता दो जी। देखिए जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17 जी। आप भूल गए जी, आपको बताया था जी, डेली 1 किलोमीटर चलना है जी 7 दिन तक जी, यानी कि 17 जी, भूल गए आप। देखिए जी, एक क्वेश्चन और पूछूंगा जी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? अगर इसका गलत जवाब दिया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा जी। इसका सही जवाब होगा जी ऑप्शन ए, 7 होता है जी, 7 ही नाइट होती है, 7 ही दिन होते हैं जी, नाइट्रोजन में आगे नाइट आ रहा है जी, आपको ट्रिप में बताया था जी। और अब मैं राहुल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ जी। राहुल जी, आप आइए जी। देखिए भैया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भैया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? भैया मुझे इसका जवाब चाहिए। अरे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। भाइयों बहनों, मैंने आपको बताया था कार्बन से कार बनेगी और कार में 6 दिन लेके जाता हूँ ऑफिस में। मुझे पता है आप लोगों का ध्यान यहाँ है कि मैंने नोटबंदी क्यों की। अरे, वहां से ध्यान हटाइए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका करारा जवाब चाहिए। पापा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 8 होते हैं बाबूजी। बाबूजी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 8। देखो भैया, योग बहुत हो गया भैया, हमें एक क्वेश्चन में भी पूछूंगा। अनुट ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 27 होते हैं, 27। और अब मैं भी पूछूंगा, मंगल के उपग्रह की संख्या कितने होती है? देखिए जी, इसका जवाब मैं दूंगा जी, ऑप्शन सी, 2 होती है जी, 2। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा। अच्छा है, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब दो, मुझे इसका जवाब चाहिए। नाना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेरिक अम्ल। भाइयों बहनों, लास्ट सवाल पूछने से पहले, आपको ये टेस्ट कैसा लगा? आगे ये टेस्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे मित्रों, घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मुझे इसका जवाब चाहिए, और 125 करोड़ देशवासियों से मैं इसका जवाब चाहता हूं। वाह भैया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम का अम्ल। भाइयों बहनों, जाने से पहले आपने गाने बहुत सुने होंगे, अभी एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। भाइयों बहनों, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन मेरे मित्रों, हमें तो कृषि कल्याण शेष पसंद है, और उससे पहले हमें यह देश पसंद है, हमें यह देश पसंद है। जय हिंद, जय भारत।